गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का दिन जबरदस्त रहेगा क्योंकि मौसम है जबरदस्त। देखने में मजा आ रहा है, घूमने में मजा आ रहा है और राइड करने में तो एकदम मौसम मजा आ रहा है। कल का जो था मेन पार्ट हमने कवर कर लिया, मेन पार्ट से अब निकल रहे हैं दूसरी ओर, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत कम लोग जाते हैं वहां पर। तो हम वहां जा रहे हैं, वो जगह आपको दिखाऊंगा। आप समझ हो गए होंगे कहाँ जा रहा है। कैलाश गुफा जा रहा हूँ मैं और ये बेहतरीन स्पॉट है। और कुछ ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मोस्ट प्रोबली इस एरिया में रोड एकदम खराब है। यहाँ पर तो अभी रोड अच्छी मिली थी हमको। अभी तो मौसम का आनंद लेते हैं। ग्लव्स मैंने नहीं पहने हैं और ग्लव्स उतार के चलाने में मजा आ रहा है। सवेरे का मौसम दिल खुश हो गया है। नाश्ते में तो खाए थे आलू के पराठे और दही, इसका फुटेज तो मैं नहीं ले पाया, मगर अभी तो ऐसा है कि आगे चलते जाइए, दिन सुहाना कर देंगे। मौसम जबरदस्त है और ये ग्लव्स चलते चलते गिर गया, जिसको मैंने सामने रखा था। गाड़ी लगता घुमानी पड़ेगी, तो गाड़ी घुमा लेते हैं, ग्लव्स उठा लेते हैं, नुकसान हो जाएगा 1000 रुपए का। तो ग्लव्स उठाते हैं, फिर उसके बाद अपन चलते हैं कहाँ। चलते हैं फ्रेंड्स, अभी तो आप यहाँ का मजा लीजिए। कितनी शानदार हवा चल रही है और मौसम भी बेहतरीन है। सिर्फ आप वीडियो में मजा ले सकते हैं, रियल में तो आपको आना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। तो अभी चलते हैं, चलते चलते और भी देखिए सीन, अब मजा आएगा। तो हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे जो है 43, ग्राम सड़क योजना को छोड़ दिए हैं। सोचे कि नेशनल हाईवे का मजा लेते हैं कुछ देर, तो आगे जाके तो हमको ग्राम सड़क योजना पकड़नी है क्योंकि अंदर इंटीरियर में है कैलाश गुफा, जिसको हम देखने जा रहे हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। मगर जितनी शानदार ऊपर का नज़ारा है उतना ही शानदार नीचे का भी नज़ारा है। रोड रोड का आपको देख के तो मजा आ ही रहा होगा, कितना जबरदस्त मज़ेदार रोड है ना। नेशनल हाईवे के नाम पे कलंक है, इतनी जबरदस्त रोड है, देखिए ना मजा आ रहा होगा आपको देख के। खटर खटर झटके लग रहे हैं, अभी तक कुछ झटके नहीं लग रहे थे मगर अब झटके लग रहे हैं चलने पर रोड में। तो अपने को तो अभी कुछ लगभग 3 से 4 किलोमीटर रोड क्रॉस करनी है, फिर हमको फिर ग्राम सड़क योजना, यानी इस एरिया में अगर आपको घूमना है तो ग्राम सड़क योजना वाली रोड को ही पकड़े, नेशनल हाईवे रोड को ना पकड़े क्योंकि वो बहुत ही वाहियात है। अभी तो अंदर की ओर हम लोग चलते हैं, अभी तो आपको यहाँ का थोड़ा सा मजा भी ले लीजिए रोड का कैसा है। यहाँ घूमना है तो ग्राम सड़क योजना की सड़कों पे ही घूमो क्योंकि गड्ढे कम है और अच्छी स्मूथ है। चलिए आगे चलते हैं। तो नजारा कितना बेहतरीन हो गया है, ऊपर का मौसम देखे, धूप और छाव और बेहतरीन लग रहा है। नीचे रोड गीली है, थोड़े पेचेस लगे हुए रोड में, और सामने आ गया है शाइन बोर्ड जिसमें हमको दिखा है लोकेशन कहाँ जाना है। बगीचा जाना है, राजपुरी वाटरफॉल के लिए भी है और साथ में कैलाश गुफा जो कि 17-18 किलोमीटर है यहाँ से। जल्दी उसकी ओर चलते हैं। जो ये जो श्री कैलाश गुफा है ये देव दंड गाँव के पास पड़ता है एकदम नियरेस्ट, तो 18 किलोमीटर है बस वहाँ पहुँचते हैं। और बिलासपुर से ये 267 किलोमीटर है और अंबिकापुर से ये 60 किलोमीटर है और बगीचा से 30 किलोमीटर है। तो ये खूबसूरत जगह जरूर आए, लोकेशन पहुंचने वाले हैं, चलिए आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कैलाश गुफा के लिए जिसके लिए आए थे,
जो मेन एंट्रेंस है, सीमा पर आराम लिखा हुआ है, ये पूरी पगडंडी है, कोई मेन रोड नहीं बना हुआ है इसको जाने के लिए, पूरा कच्चा रास्ता है, नीचे पहाड़ी है, और पहाड़ी में आपको जाके वहाँ पर कैलाश गुफा है, बोर्ड लगा मिलेगा, वहाँ से 1 किलोमीटर नीचे आपको जाना पड़ेगा, फुल्ली ऑफ रोडिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा, ज़रूर आए यहाँ पर। तो मैं आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ कैसी ये रोड यहाँ की, चलिए। कैलाश गुफा यहीं जाए बारे का गुफा गुफा कैलाश गुफा। तो छोटी बच्ची से पूछ लिए हैं और अब चलते हैं, यहाँ रोड नहीं है, इसी में तो सबसे ज्यादा मजा आता है ऑफ रोडिंग करने में, गाड़ी को चलाओ और जहाँ रोड नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, मजा आता है, जंगल के बीच में, यहाँ भी दूर दूर तक तो कुछ नहीं दिख रहा है देखने को, कहाँ जाए किधर जाए, इधर कुछ रोड बनी हुई है और सामने थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर सीधा चलते हैं क्योंकि मैप में तो लोकेशन यही सीधा दिखा रहा है, आगे तो जंगल का मजा आएगा, अभी तो सिर्फ पहाड़ी के ऊपर है, नीचे उतरना है, चलते जाइए, नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को, रियली ऐसा चीज़ एक्सप्लोर करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि भाई मैं इस जगह में कभी आया नहीं था और अभी आया हूँ, तो समथिंग डिफरेंट देखने में मज़ा ही आता है। चलिए अभी आगे और दिखाता हूँ फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो अब हम पहुंच गए जंगल के बीच और ये रोड बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्वागत किया जाता है कैलाश गुफा में, द्वार बना हुआ है, चलते हैं आगे की ओर। बिलीव नहीं होता कि यहाँ रेस्ट हाउस भी है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जो आ रहे हैं उनसे कि किधर जाने का रास्ता है, स्ट्रेट जाना है कि यही रेस्ट हाउस के ऊपर में है। गुफा किधर है? गुफा नीचे ही है ना, ये ऊपर में क्या है? रेस्ट हाउस है। हम इस रास्ते से आए थे, ये एक लेफ्ट में रास्ता दिख रहा है, वहां से भी आने का एक रास्ता है जो कि ये कैलाश गुफा लेके जाता है, और ये कैलाश गुफा का एंट्रेंस में हम पहुंच गए हैं, आई थिंक बैरियर लगा हुआ दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि यहीं गाड़ी खड़ा करना पड़े, लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ से आप गाड़ी नीचे उतार सकते हैं दोस्तों, और हम यहाँ से गाड़ी के नीचे उतार रहे हैं, तो ये एक छोटा सा व्यू यहाँ का, इसके नीचे है हमारा जो श्री कैलाश गुफा है देखने को, यहाँ हाथी बना हुआ है, उसमें घंटी लटकी हुई, अच्छा लग रहा है, शिवलिंग बड़ी सी बनी हुई है, और ये हमारी बाइक खड़ी है, वापस हमको अभी नीचे की ओर जाना है, चलते हैं जल्दी वहीं। तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर भी मुरूम का रास्ता बना हुआ है, ये आगे तो गाड़ी दिख रही है, लगता है यहीं स्टैंड करना है अपने गाड़ी, वो पिकनिक स्पॉट था, और यहाँ पर हाँ अब ये फाइनल हम पहुँच चुके हैं, तो गाड़ी पार्क कहीं करते हैं और फिर यहाँ से फिर अपन नीचे चलते हैं कैलाश गुफा देखने के लिए, क्योंकि ऊपर के हिस्से में वहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं, मगर यहाँ नीचे मंदिर है तो पिकनिक बनाना पॉसिबल नहीं है, गाड़ी स्टैंड लगाते हैं और चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं कैसा है। तो हम नीचे उतर गए गाड़ी से, और इस साइड मंदिर है, गेट जो बना हुआ है, और इस साइड अपना वाटरफॉल जाने का रास्ता है, मगर अभी फिलहाल हम मंदिर के अंदर जो कि कैलाश गुफा कहा जाता है जिसको देखने आए हैं, चलिए उसको देखते हैं, ये खूबसूरत गेट, और यहाँ पर गुफा जो कि बहुत ही फेमस है,
यहाँ पर कुछ शेर की फोटो बनी हुई है अंदर साइड में, और वहां से एंटर किए थे हम। और ये गुफा का देखिए पहाड़ कटा हुआ है और अंदर जाने के लिए रास्ता है। चलिए गेट खोलते हैं और अंदर जाते हैं। तो कुछ अलग नज़ारा है जिसको देखने आए थे। जंगल के बीच में बहुत यानी कि अद्भुत चीजें हैं बनी हुई, और यहाँ पानी रिस रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पर देखिए पूरा गीला हुआ, अभी बरसात हो रही थी और पहाड़ी है, उसके वजह से सब पानी रिस रिस के सब इधर आ रहा है ऊपर, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। और इधर बंदर बैठा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। मेन जो कैलाश गुफा है उसको देखते हैं। जूता यहाँ उतार लेते हैं। अब चलते हैं। और ये अब दरवाजा खोल लेते, क्योंकि अभी कोई नहीं आया है तो हम ही लोग पहले हैं। तो ये दरवाजा पुराने जमाने का बना हुआ है, और ये गुफा है मेन। इसका खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ सामान रखाया हुआ है, अंदर में ताला लगा हुआ है, और यहाँ पर कुछ भगवानों की फोटो लगी हुई है और कुछ चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो ये गुफा है जिसके लिए हम आए थे, बहुत अच्छा है। और कितना पहले का ये बना हुआ है ना, कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये ऐसी भी चीजें हैं छत्तीसगढ़ में जो देखने के लिए है, और यहाँ लोग आते भी हैं देखने के लिए। यहाँ कुछ फोटोज पड़ी हुई है भगवान की, और ये एंट्रेंस छोटा सा, यहाँ साइड में हनुमान जी की मूर्ति है। जय भगवान। और ये शिवलिंग कैलाश गुफा, शिवलिंग जो खास यहाँ पर बना हुआ है, और लोग यहाँ बहुत आते हैं। और जो अंबिकापुर बगीचा के आसपास लोग हैं वो यहाँ आते हैं, और ये गुफा के अंदर भी इन्हें कुछ ऐसा बना हुआ है। अभी तो कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो इतना ही है। ये दरवाजा है यहाँ पर, और ये पंडित जी आ चुके हैं, जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग में। तो ये चढ़ा लिए हैं, अपन भी बाहर निकलते हैं, दर्शन हो गए हैं। और गुफा बहुत अच्छी लगी मेरे, गुफा जिसके लिए हम देखने आए थे, अद्भुत है बिल्कुल। नजारा और ये गेट है, एंट्रेंस है, हमने पूरा अंदर आपको दिखाया। मैंने कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और अभी हम चलते हैं जो और इसमें यहाँ एक फेवरेट स्पॉट बोला जाए जो कि मेरे को बहुत पसंद है, वो है क्या, वाटरफॉल। तो वाटरफॉल के लिए और चलते हैं। ये यहाँ का नज़ारा है, एक देख सकते दोस्तों कितना शानदार है। जंगल के बीच में एक अलग ही मजा आता है देखने में और करने में, घूमने में। तो जल्दी चलते हैं अंदर। और वैसे भी हम ऑफ सीजन आए थे, और ये सामने आप वाह जो देखने आए थे वाटरफॉल, तो खुशी की बात है कि पानी है, हमको देखने को मिल रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को। आप लोग कितना मजा आ रहा होगा पता नहीं दोस्तों, मेरे को तो बहुत मजा आता है कि वाटरफॉल एक्सप्लोर करने में, बहुत ही शानदार है। और वैसे भी सुबेरे का टाइम है, मस्त मौसम है, पानी भी गिरा है, और पानी गिर रहा है सामने में, अच्छी खासी हाइट है, दो तीन जगह से पानी गिर रहा है। देखिए एक सामने से गिर रहा है, एक साइड से गिर रहा है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है ये बोल सकते हैं। नियरेस्ट है बगीचा के, और अंबिकापुर से भी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी भी चीजें हैं देखने के लिए, जरूर आप आए यहाँ पर खूबसूरत चीजें देखने के लिए, कचरा बस ना फैलाएं दोस्तों। और ये हमारा वाटरफॉल जो कि दिल को छू लेता है,
आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये कैलाश वाटरफॉल बोल सकते हैं, कैलाश गुफा में है और इसलिए कैलाश वाटरफॉल अपन इसको कहेंगे। यहाँ का नज़ारा आप लीजिए। हमने पूरा नज़ारा ले लिया, कैलाश गुफा घूम लिया, तो ये कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अभी तो वापसी की ओर है, ये रोड तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी शानदार है, ऑफ रोडिंग है, यहाँ कोई रोड नहीं बनी है। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, मगर जनरली गाड़ी आ नहीं पाती है। देखिए आप कैसा है, उबड़ खाबड़ है, तो बहुत लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए, घूमें और इसका लुत्फ उठाएं, मज़ा करें, क्योंकि जंगल के बीच में है कैलाश गुफा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अभी तो चलते हैं आगे की ओर। तो ये है खूबसूरत रास्ता, जो कि अब हम जा रहे हैं बगीचा, जो कि एक वहां पर भी हम एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। अभी तो चलते हैं फ्रेंड्स, आप इंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल लैंड ऑफ छत्तीसगढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग।